हेलो फ्रेंड्स नमस्कार गुड इवनिंग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी पाइफे शी पर आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को आज की इस मैराथन क्लास में हमने आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें और ये क्लास ट्रिपल सी अप्रैल एग्जाम ट्रिपल सी मई एग्जाम ट्रिपल सी जून एग्जाम के लिए या फिर आगे अगर आपका ट्रिपल सी का एग्जाम है तो आप सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है तो सबसे पहले आप सभी एक बार सेशन को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कैसे मेमोरी का अवैध आकार कौन सा है यानी इनवैलिड साइज कौन सा है कैसे मेमोरी का बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट होती है तो ध्यान रखना है कैसे मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होती है मोस्टली इसी का ऑप्शन आपके ऑप्शन में दिया रहता है ठीक है बट यहाँ पूछा है कि कौन सा एक अवैध आकार साइज है तो इसका सही जवाब होगा सी ये आपका क्या है एक अवैध साइज है एक इनवैलिड साइज है कैसे मेमोरी का अगला सवाल है चेक की वैधता अवधि होती है यानी जो चेक होती है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है अब अगर कोई भी चेक जो जारी किया गया है तो जारी होने की डेट से वो कब तक वैलिड रहता है इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन वी थ्री मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू यानी जब वो चेक जारी किया गया उस जारी होने की डेट से तीन माह तक चेक आपका वैलिड रहेगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा अगला सवाल लिखिएगा निम्न में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है अगर आप प्रिंटर को कैटेगराइज करोगे तो दो प्रकार के होते हैं एक आपके इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं और दूसरे आपके नॉन इम्पैक्ट होते हैं ठीक है नॉन इम्पैक्ट होते हैं तो दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये थोड़ा ध्वनि ज़्यादा करते हैं पुराने समय के जो प्रिंटर थे वो इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं और नॉन इम्पैक्ट जो होते हैं वो ध्वनि कम करते हैं ठीक है तो यहाँ लेजर इंकजेट डॉट मैट्रिक्स दिया गया है इसमें इम्पैक्ट कौन सा है ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स कैसा है इम्पैक्ट प्रिंटर है बट अगर आप लेजर प्रिंटर को देखेंगे और इंकजेट को देखेंगे तो ये दोनों कैसे हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं ओके चलिए और आप सब जानते हैं प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस होता है तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है प्रिंटर से हम आउटपुट कर सकते हैं अगला सवाल है ऑफिस कैल्क में राउंड अब यहां लिखा है तेरह क्या परिणाम देता है इसकी वैल्यू क्या होती है तो ऑफिस कैल्क में राउंड 1363.45 सौ तिरसठ माइनस टू का परिणाम क्या होगा इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए अगर हम राउंड की बात करें तो यहाँ राउंड दिया गया है और यहाँ माइनस में टू दिया गया है तो जब माइनस में टू होता है तो दस मल्लब से पहले वाली वैल्यू पे हमें काम करना होता है मीन इसको हमें राउंड ऑफ करना होता है और दस मल्लब के बाद वाली वैल्यू ऑटोमेटिक राउंड ऑफ हो जाती है यानी यहाँ पर तो जीरो हो जाएगा तो थ्री के स्थान पर जीरो किया हमने सिक्स के स्थान पर भी जीरो किया हमने दो स्थान हमें राउंड ऑफ करने हैं लास्ट में सिक्स था ठीक है क्योंकि दो ही स्थान हमें चाहिए थे और सिक्स देखा आपने फाइव से बड़ा है तो प्लस वन हो जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर वन और फोर आ जाएगा यानी चौदह सौ आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और इस पर हमने क्लास कराया है आप उसको देख सकते हैं जहाँ पर हमने सभी फॉर्मूले आपको सिखाए हैं विद प्रैक्टिकल कि कैसे आप इन्हें लगा सकते हैं टाइप किए गए टेक्स्ट की मदद से नेट पर बात करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है टाइप किए गए टेक्स्ट की हेल्प से नेट पर बात करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है तो जब हम टाइप कर के नेट पर बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा इसको हम चैटिंग कहते हैं है ना चैट करना किसी के साथ में तो चैटिंग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अगला सवाल है भारतीय रुपए का चिन्ह जिसे मान्यता मिली भारतीय रुपए के चिन्ह को मान्यता कब मिली यह आपको बताना है इसमें क्या होगा सही जवाब भारतीय रुपए के चिन्ह को मान्यता कब मिली 2010 में ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा अगला सवाल देखिए मोबाइल सोशल नेटवर्क कौन सा है इसमें से मोबाइल सोशल नेटवर्क मोस्टली ये सवाल पूछता है एग्जाम में कि मोबाइल सोशल नेटवर्क कौन सा है मीन सबसे ज़्यादा किसका इस्तेमाल मोबाइल पर होता है तो यहाँ पर ऑप्शन वी हो जाएगा इंस्टाग्राम का ओके ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब है अगला सवाल ऐप के माध्यम से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेकिन बिल खरीदारी के रूप में कोई भुगतान नहीं कर सकते हैं निम्न में से एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप पैसे तो भेज सकते हैं बट आप कुछ खरीदारी नहीं कर सकते हैं कुछ पेमेंट नहीं कर सकते हैं मैन उसके द्वारा आप कुछ परचेज नहीं कर सकते हैं बिल भुगतान नहीं कर सकते हैं पैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं तो यहाँ पर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर ऐप के माध्यम से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेकिन बिल खरीदारी के रूप में कोई भुगतान नहीं कर सकते हैं सही जवाब इसका है ऑप्शन पहला व्हीम ऐप के माध्यम से अगला सवाल है निम्न में से सबसे तेज स्मृति क्या है सबसे तेज स्मृति मीन सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है सेकेंडरी एक्जलरी कैसे या वर्चुअल तो अभी हमने बताया था कैसे मेमोरी रहता है ऑप्शन में ज्यादातर तो आपको सी ऑप्शन कर देना है यानी कैसे मेमोरी ही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा और अगर कैसे के स्थान पर रजिस्टर दिया गया है या दोनों दिया गया है कैसे और रजिस्टर तब आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है किस प्रकार का दूर संचार हार्डवेयर आपको बेब में पहुँच की अनुमति देता है किस प्रकार का दूर संचार हार्डवेयर आपको बेब में पहुँचने की अनुमति देता है ब्राउजर एफ टी पी मॉडम आई आर सी तो हार्डवेयर की बात की जा रही है यहाँ पे मॉडम हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा और मॉडम का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा मॉडुलेटर डी इसका फुल फॉर्म होता है मॉडर्न इनपुट और आउटपुट दोनों में कंप्यूटर होता है ये भी आपको ध्यान रखना है अगला सवाल देखो दस्तावेज से टेक्स्ट को कट करने के लिए डैश कुंजियों को दबाएं। दस्तावेज से टेक्स्ट को कट करना है तो आप कुंजी दबाएं मेन कौन सी कुंजी दबाओगे अगर हम कट करना चाहते हैं ठीक है तो क्या कर सकते हैं कंट्रोल एक्स दबा सकते हैं ऑप्शन सी हो जाएगा कट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल एक्स होती है ऑफिस में ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम ट्वेंटी परसेंट होता है ऑफिस राइटर में कम से कम जूम आप कितना कर सकते हैं ट्वेंटी परसेंट कर सकते हैं क्या ये सही है तो न्यूनतम जूम हम ट्वेंटी परसेंट कर सकते हैं बिल्कुल सही है और अगर राइटर की बात करें तो अधिकतम हम कितना कर सकते हैं छह सौ परसेंट हम कर सकते हैं इसी प्रकार से हमें कैल का भी ध्यान रखना है अगर कैल की बात करें तो मिनिमम ट्वेंटी परसेंट होता है लेकिन मैक्सिमम की बात करें तो 400 परसेंट होता है अधिकतम 400 परसेंट हम कर सकते हैं अगला सवाल देखिए आई एक 11 डिजिट का कोड होता है जो कि एन और आरटीजीएस के माध्यम से फंड ट्रांसफर के लिए अनिवार्य है जो आईएफएससी होता है आईएफएससी एक ग्यारह अंकों का कोड होता है ग्यारह डिजिट का कोड होता है जो कि एन और आरटेजीएस के माध्यम से फंड ट्रांसफर करने के लिए अनिवार्य होता है तो एकदम सही है ऑप्शन यहाँ पे पहला हो जाएगा आई का मतलब भी पूछ सकते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है डिजिट की बात करें तो 11 होते हैं है ना 11 अंकों का कोड होता है ध्यान रखना है अगला सवाल है आई ओ टी आई आई ओ टी करता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स मीन जो आई आई ओ टी है इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या ये सही है एक होता है आईओ टी जैसे आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं और एक होता है आई आईओटी जैसे आप इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं तो यह भी आपका ट्रू हो जाएगा ऑप्शन पहला करेक्ट है अगला सवाल देखो का अर्थ है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा यह उपयोगकर्ता को स्टार डबल लाइन के माध्यम से बिना स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन के मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करने की सुविधा देता है क्या यह सही है यूएसएसटी का अर्थ क्या है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा तो बिना स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन के मोबाइल बैंकिंग का आपको सुविधा देता है है ना तो सही जवाब ऑप्शन पहला हो जाएगा बिल्कुल सही है इसके लिए कोड कौन सा होता है स्टार डबल नाइन हैस ये कोड आपका होता है ध्यान रखते हैं अगला सवाल है ओवन टू यूके की कंपनी द्वारा विकसित किया गया जिसे कैनोलिकल लिमिटेड कहा जाता है यानी ओवन टू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे यूके की कंपनी ने डेवलप किया जिसे कैनोलिकल लिमिटेड कहा जाता है क्या ये सही है और ये भी ध्यान रखना है ओवन जो है आपका लिनक्स पर बेस्ड एक OS है कोपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स है कैसा है ओपन सोर्स है आपको फ्री में मिल जाता है तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित है अब इसमें एक ऐसा है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित है तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं एप्लीकेशन होता है वेब ब्राउजर एप्लीकेशन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम यही आपका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि ये कैसा है यही आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित है बाकी स्प्रेडशीट भी आपका एप्लीकेशन हो जाएगा इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है नेट बैंकिंग तो नेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है पासवर्ड यूजर नेम यूजर एड्रेस यूजर मोबाइल नंबर आंसर क्या होगा पासवर्ड ठीक है पासवर्ड आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी एफ टी का फुल क्या होता है डी एफ टी का मतलब क्या होता है बताओ डी एफ टी का क्या मतलब हो जाएगा डिजिटल फाइनेंशियल टूल यहां पर ऑप्शन पी करेक्ट हो जाएगा वर्ण एंड कोडिंग मानक कौन सा है जो प्रत्येक वर्ण को विशिष्ट संख्या प्रदान करता है वर्ण एंड कोडिंग मानक कौन सा है जो प्रत्येक वर्ण को एक विशिष्ट संख्या प्रदान करता है विशिष्ट नंबर प्रदान करता है इसी को आज का ये कोड कहा जाता है ऑप्शन यहां पर आपका ए हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का फुल फॉर्म होता है भी आपको ध्यान रखना है जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है जीपीएस बताइए जीपीएस का मतलब क्या है सही जवाब हो जाएगा पहला ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ये भी सबको याद रखना है एग्जाम में काफी पूछा गया है यहां पर आपको बताना है निम्न में से एल क्या है अब ए ओ एल के बारे में पूछा गया है कि ए ओ एल क्या होता है तो याद रखना है यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा ए ओ एल क्या है एक वेब ब्राउजर है एक वेब ब्राउजर है निम्न में से डक डग वो क्या है वॉट इज ए डक डग, डग गो बताओ देखिए डक डग, डग गो किस कंट्री का है ये भी कई बार सवाल पूछते हैं ठीक है बट क्या है अभी ये बताना है तो यहाँ ऑप्शन पहला हो जाएगा फर्स्ट इंजन है और ये किस कंट्री का है चाइना का है ऑप्शन यहाँ पर पहला करेक्ट होगा लिनक्स में जीनोम का क्या अर्थ होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आप सबको याद रखना है लिनक्स में जीनोम का क्या मतलब होता है क्या फुल फॉर्म होता है तो यहां ऑप्शन पहला हो जाएगा जीनो नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल एनवायरनमेंट ठीक है सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन का उदाहरण है ट्वेंटी फाइव में आपसे पूछा है कि सर्च इंजन कौन सा है आस्क डॉट कॉम या डेक्स याहू या फिर ऑल ऑफ दीच तो इसमें सर्च इंजन की अगर बात करें तो ऑल ऑफ डीच हो जाएगा ये सभी कैसे हैं सभी आपके सर्च इंजन के एग्जाम्पल हैं अगला सवाल देखो निम्न में से पहला वेब ब्राउजर कैसे कहा जाता है मीन फर्स्ट वेब ब्राउजर की बात की गई है तो फर्स्ट वेब ब्राउजर इसमें कौन सा है वर्ल्ड वाइड वेब मोजाइक सफारी या मैक्सथन पहला बेब्राउजर कौन सा है ऑप्शन पहला हो जाएगा वर्ल्ड वाइड बेब अगर पूछे कि पहला ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा है तो आंसर हो जाएगा मोजाइक जाएग। अटल पेंशन योजना में कितने वर्ष के बाद पेंशन प्रदान की जाती है अटल पेंशन योजना में कितने वर्षों के बाद में आपको पेंशन प्रदान की जाती है बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा तो सही जवाब यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी साठ वर्ष के बाद आपको पेंशन प्रदान की जाती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पी एम एम बाई को कब लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कब लॉन्च किया गया था 28 का आंसर आपको देना है तो यहां सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 8 अप्रैल 2015 को इसे लॉन्च किया गया था अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की, की उम्र कितनी होनी चाहिए अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की उम्र कितनी होनी चाहिए तो सही जवाब क्या हो जाएगा अट्ठारह से चालीस वर्ष की उम्र होनी चाहिए निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस का प्रकार नहीं है कौन सा इसमें एक एंटीवायरस का टाइप नहीं है अवास्ट क्विक हिल अवीरा फ्री सिक्योरिटी और स्पाइवियर तो राइट आंसर यहां पे क्या होगा डी हो जाएगा स्पाइवियर ये सब एंटीवायरस हैं बट स्पाइवियर आपका एंटीवायरस नहीं है यहां पर आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक फ्री ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर नहीं है कौन सा एक फ्री ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा एम एस वर्ड एम एस ऑफिस वर्ड ये आपका ओपन सोर्स में नहीं आता है बाकी एवी वर्ड है ओपन ऑफिस राइटर है कलिग्रा वर्ड है ये सब आपके ध्यान रखना है वर्ड प्रोसेसर भी हैं और ओपन सोर्स है मतलब वर्ड प्रोसेसर तो है ही ओपन सोर्स भी है भी आपको ध्यान रखना है वर्ड जो आपका एम एस ऑफिस वर्ड ये भी वर्ड प्रोसेसर है लेकिन ये ओपन सोर्स नहीं है तो यहाँ ये पूछा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो ओपन सोर्स में नहीं आता है निम्न में से कौन सा एप्पल कंपनी का वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है वेरी इंपॉर्टेंट आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अधिकांश आपके ट्रिपल एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा एप्पल कंपनी का वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है सही जवाब ऑप्शन सी है यहाँ पर पेजेज नाम का सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ड प्रोसेसर है आपका एप्पल कंपनी का अगला सवाल है ब्लूटूथ में किस प्रकार का नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है ब्लूटूथ में कौन सा नेटवर्क होता है तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला पैन होता है जैसे डब्ल्यू पैन भी कहते हैं वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क के ब्लूटूथ में नेटवर्क होता है इक्वल राउंड दो सौ छियालीस दशमलव तीन चार छो का परिणाम क्या होगा इसकी वैल्यू क्या होगी तो राउंड उसके बाद दो सौ छियालीस दशमलव थ्री फोर सिक्स की वैल्यू आपसे पूछिए राउंड करना है यहाँ प्लस में दिया है माइनस में तो है नहीं तो दो वैल्यू हमें रखनी है बाकी एक को हटाना है तो सिक्स को हटा दीजिएगा यहाँ पे चार के स्थान पर पाँच हो जाएगा यहाँ थ्री आ जाएगा यहाँ पॉइंट लगा दो सौ छियालीस हो जाएगा तो दो सौ छियालीस दशमलव तीन और पाँच यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा अगला सवाल देखो वी आर का फुल फॉर्म क्या होता है पूरा नाम क्या होता है तो वी आर का पूरा नाम क्या होता है वी आर का मतलब क्या हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी हो जाएगा ऑप्शन पहला ही करेक्ट है वर्चुअल रियलिटी अगला सवाल है आई ओ टी में टी का क्या मतलब होता है टी का क्या अर्थ होता है आई ओ टी अभी बताया था इसके बारे में इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा टी का मतलब थिंग्स हो जाएगा इंस्टाग्राम पर कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया जा सकता है थर्टी सेवन में आपको बताना है आप इंस्टाग्राम पर कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकते हैं तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा पहला साठ सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया जा सकता है इंस्टाग्राम पर अगला सवाल देखो आर पी ए का पूरा नाम क्या होता है फुल फॉर्म क्या होता है RPA का फुल फॉर्म क्या होता है यहां पर आपसे पूछा गया है नेस्कॉम का पूरा नाम क्या होता है फुल फॉर्म क्या होता है तो नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है आप सब जल्दी से बताएंगे सही जवाब सी हो जाएगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज ये नेस्कॉम का फुल फॉर्म होता है अगला सवाल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है मीन किसे माना जाता है तो सही जवाब है ऑप्शन वी जॉन एम कार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जैनक माना जाता है यानी ए का जैनक माना जाता है ओके अगला सवाल है पहली ए प्रोग्रामिंग भाषा किसे कहा गया फर्स्ट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कौन सी तो यहां पर सही जवाब डी हो जाएगा लिस्प जिसके फाउंडर हैं जॉन एम कार्थी यानी लिस्प का मतलब होता है लिस्ट प्रोसेसिंग जिसे जॉन एम कार्थी ने ही डेवलप किया था अगला सवाल है आर पी ए का अर्थ होता है आर पी ए का फुल क्या होता है तो आर पी ए का मतलब होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन क्या हो जाएगा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन यानी ऑप्शन नंबर पहला इक्वल फ्लोर बारह सौ नौ कमा ग्यारह का परिणाम क्या होगा इसकी वैल्यू क्या होगी अब यहां बारह सौ नौ दिया है यहां ग्यारह दिया है इसकी वैल्यू आपसे पूछिए बारह सौ नौ को ग्यारह से भाग कर दो ठीक है और अगर ये भाग पूरा पूरा ना कटे तो 1200 से नीचे की तरफ देखो कौन सी ऐसी वो संख्या है जो 11 से पूरी तरह से कट जाएगी तो आपने कहा सर ग्यारह सौ निन्यानवे वो संख्या है जो 11 से कट जाएगी अगर यहाँ फ्लोर के स्थान पर सीलिंग दिया होता तो पहले तो 11 से इसी नंबर को चेक करते अगर ये नहीं कटेगा तो ऊपर की तरफ बढ़ोगे और जो पहला नंबर आ जाए जो पहला नंबर कट जाए ग्यारह से वही आपका आंसर हो जाएगा में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करना है तो कौन सी कमांड यूज करेंगे 43 का आंसर आपको देना है। तो ऑप्शन पर आपका सी हो जाएगा आधार सीडिंग क्या होता है आधार सीडिंग से आप क्या समझते हैं बैंक खाता से आधार जोड़ना आधार कार्ड को पोस्ट ऑफिस से जोड़ना आधार कार्ड को गैस कनेक्शन से जोड़ना या इनमें से कोई नहीं आधार सीडिंग से आप क्या समझते हैं तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा पहला बैंक खाता से आधार जोड़ना ही आधार सीडिंग कहलाता है बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है फोर्टी फाइव में आपसे पूछा है बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्न में से कौन प्रयुक्त होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एम आई सी आर होता है अब इसका मतलब क्या होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन होता है जो चेक को पढ़ने का काम करता है क्योंकि आपका जो चेक होता है उस पर चेक नंबर लिखा होता है वो मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है और उसको पढ़ने के लिए एम डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है 46 में बताना है निम्न में से नेट बैंकिंग की सुविधा कौन कौन से बैंक प्रदान करते हैं नेट बैंकिंग की सुविधा कौन कौन से बैंक प्रदान करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एच बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर ऑल ऑफ दीज तो यहाँ पर तो डी हो जाएगा उपरोक्त सभी अगला सवाल देखो लिब्रो ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट रूप से कितना मार्जिन सेट होता है लिब्रो ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट कितना मार्जिन सेट होता है ध्यान रखना है यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा जीरो पॉइंट सेवन फाइव इंच अब ध्यान रखना है कई बार इंच में पूछते हैं कई बार सेंटीमीटर में भी आपसे पूछ सकते हैं लिब्रो ऑफिस में एंड नोट व फुल फुट नोट कहाँ का विकल्प कहाँ पर होता है मीन किस मैनू में होता है यहाँ पर क्या होगा फुट नोट होता है है ना तो फुट नोट यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 में में पूछा है लिब्रो ऑफिस एंड नोट व फुट नोट का विकल्प किस मैनो में होता है तो एंड नोट व फुट नोट कहां पे होता है बताओ ऑप्शन वोट सी हो जाएगा इनसेट में होता है एंड नोट और फुट नोट कहा होता है इनसे में होता है अगला सवाल देखो बाईसवा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 में कहा हुआ था इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए फोर्टी नाइन आपकी स्क्रीन पर है सभी बच्चों को जल्दी से जवाब करना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा चलिए यहां पर ऑप्शन पहला हो जाएगा मेघालय बाइसवा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 में, तो में कहां हुआ था मेघालय आपका सही जवाब है अगला सवाल देखो ओ एल एक्स क्या है आपको बताना है ओ एल एक्स क्या है ओ एल ओ एल एक्स के बारे में बताना है ओ एल एक्स एक ई एक कॉमर्स साइट है ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा ई कॉमर्स साइट है दूसरा ये सी टू सी के अंतर्गत आती है कस्टमर टू कस्टमर के अंतर्गत आती है यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक कार कंपनी एम आर एफ से टायर खरीदती है तो ये किसका उदाहरण होगा अब एक एम आर एफ कंपनी है जो टायर खरीदती है मीन एक कार कंपनी है जो एम से टायर परचेज करती है है ना क्योंकि एम टायर बनाता है और एक कार कंपनी है जो इससे टायर खरीदती है तो यहां पर क्या हो जाएगा बी टू बी हो जाएगा क्योंकि दोनों क्या है बिजनेस हैं तो यहाँ बी टू बी हो जाएगा अगला सवाल देखो कैड की फुल फॉर्म क्या होती है फिफ्टी टू में आपसे पूछा है कैड का फुल फॉर्म क्या होता है तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन पहला कैल्क में करंट डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है आप किस शॉर्टकट के से करंट डेट को इंसर्ट करा सकते हैं तो कैल्क में अगर आप करंट डेट डालना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में सेमी कॉलन वाला की प्रेस करना है ठीक है ऑप्शन यहाँ पर आपका पहला हो जाएगा एम परिवहन किससे संबंधित होता है 54 का आंसर देना है एम परिवहन किससे संबंधित है स्वास्थ्य शिक्षा परिवहन तो एम परिवहन ऑप्शन सी हो जाएगा परिवहन से संबंधित है यानी ट्रांसपोर्ट से संबंधित है ठीक है याद रखना है ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा अगला सवाल डी ई एस का पूरा नाम क्या होता है फिफ्टी फाइव में पूछा है डी ई एस का पूरा नाम क्या होता है तो यहां डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड हो जाएगा ऑप्शन बी ठीक है डब्ल्यू 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 का फुल फॉर्म क्या होता है 56 में में आप, आपसे पूछा गया है कि भाई डब्ल्यू 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 का फुल फॉर्म क्या होगा तो डब्ल्यू 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 का मतलब होता है वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वाइड क्या होता है ऑप्शन पे पहला हो जाएगा ईमेल में किसी संदेश को डिलीट करने पर वह कहा रहता है अब अगर आपने किसी संदेश को डिलीट किया कोई मेल आपके पास आया और आपने डिलीट कर दिया तो वो कहां पर सेव हो जाएगा डिलीट किया हुआ मेल कहाँ पर सेव हो जाएगा आंसर होगा ट्रैस फोल्डर में चला जाएगा ट्रैस में सेव हो जाएगा किसी स्लाइड को कैसे स्टॉप कर सकते हैं 58 में आपसे पूछा है आप किसी स्लाइड को कैसे स्टॉप कर सकते हैं कैसे रोक सकते हैं तो ऑप्शन फिर वी होगा स्कैप बटन को दबा हम रोक सकते हैं क्योंकि स्कैब बटन से हम स्लाइड को स्टॉप कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं तो आज के इस क्लास में 58 प्रश्नों को शामिल किया गया था उम्मीद करता हूँ ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा क्लास अच्छा लगा उसको लाइक शेयर करना है और जो साथी ट्रिपल सी का पैड बैच लेना चाहते हैं आज रात ग्यारह बजे तक का टाइम आपके पास है आज रात ग्यारह बजे तक अगर आप बैच को ज्वाइन करते हैं तो केवल और केवल दो सौ नानवे रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं ट्रिपल सी जून एग्जाम वाला बैच और जून एग्जाम वाले बैच में कौन बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जो अपना फॉर्म 30 अप्रैल तक अप्लाई कर देंगे या कर दिया है अप्रैल माह में उनका एग्जाम जून में होगा तो जून बैच आपको ज्वाइन करना है बच्चे का एग्जाम मई में होने वाला है आप सभी मई बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको देव टेन कूपन कोड अप्लाई कर लेना है ये कूपन कोड भी आज रात ग्यारह बजे तक ही मान्य है कल से यहाँ पर ये बैच भी आपका थ्री डबल नाइन का हो जाएगा और जून बैच भी थ्री डबल नाइन का हो जाएगा ओके चलिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए जय हिंद गुड नाइट बाय बाय